ये बात उसको समझ में आ गई और वो देखते 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 उस क्षण में चला गया जहां सब कुछ ठहर जाता है, यानी कि अर्थ होने की अवस्था में आ गया बहुत जल्दी। और इधर वो अर्थ हुआ, उधर वो मर गया, क्योंकि बूढ़ा था, थका था, शरीर खत्म हो गया, फिर वो बहुत ज्यादा चला भी था। उधर से जब भिक्खु संघ से भगवान बुद्ध लौट के आए तो उन्होंने धम्मपद गाथा कथा नंबर 100। इसकी जो कथा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये 100 और 101 की दोनों कथा दोनों लगभग एक सी गाथा है और उसमें सिर्फ एक शब्द का अंतर है। एक में गाथा कहा गया है, गाथा पतंग, और एक में जो कहा गया है वो कहा गया है पद खाली। तो इसकी कहानी में एक बही है, यानी जो बही है बाहरी है, दारू चीरी है। दारू चीरी है, दारू का मतलब होता है लकड़ी या पत्ता या लकड़ी पेड़ से प्राप्त जो चीजें हैं, छाल, बेसिकली छाल बोलते हैं उसको पेड़ की। और चीरिया का मतलब है चीवर, यानी उसकी चादर, उसका कपड़ा, यानी कि पेड़ की छाल की चीवर वाला जो बाहर से उसे ढका हुआ है, ऐसा थेर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भिक्खु। नाला सोपारा एक जगह है जो आज का मुंबई, पहले का बंबई, और उससे पहले का उसको सोपारा बोला करते थे। सोपारा में नाला जुड़ा हुआ है, आज भी वो जगह मुंबई के अंदर, बंबई के अंदर है। तो नाला सोपारा में, यानी सोपारा के अंदर एक व्यक्ति था जो जटा रखता था, जटाधारी था। जट माने जो होता है वो केस होते हैं, बाल होते हैं, तो वो बाल रखता था और वीड़ा भी बजाता था, यानी कि वो वल्लक धारधारी भी था। वल्लक वीड़ा को बोलते हैं, वल्लक धारी भी था। उसके वीड़ा बजाने से, उसके बाल बड़े रखने से लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, उसकी वेशभूषा देख के, जो उसका रूप रंग था, और उसको धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी। जैसे हम किसी को गांव में कह देते हैं आओ प्रधान जी, आओ भगत जी, आओ चौधरी, ये मान्यता हम देना शुरू कर देते हैं, वैसे ही चाहे वो व्यक्ति वैसा है या नहीं है, उसका वेशभूषा देख के। या कोई अगर पीले कपड़े पहने तो कहते हैं आओ गुरुवर, आओ आओ गुरुजी, ऐसा करके बोलना शुरू करते, ऐसे ही उसको मान्यता देने लगे। वो मान्यता मिलते मिलते उसको मान्यता का स्वाद आने लगा, मान्यता का मजा आने लगा, क्योंकि मान्यता प्रशंसा होती थी, हर एक आदमी जैसे बोलता था तमीज से बोलता था। तो उसको धीरे 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 ये गुमान होने लगा कि वो सच में ही ज्ञाता और जानकार है। मान्यता मिली तो साथ में पैसा भी आने लगा, उसने अपने वेशभूषा का रंग और बदल लिया, जीवन बढ़िया कटने लगा, फल फ्रूट खाना वगैरह सब जितने भी उसके भक्त लोग थे वो उसको देके, चेले चंटारे उसको देके जाते थे, उसकी सेवा में लगे रहते जाते थे, और वो पूरे साल दर साल उसका काम चलता रहता था। यहाँ तक कि उसका एक आश्रम, उसका मठ भी लोगों ने बना के दे दिया। अब वो मठाधीश हो गया, आश्रम का मालिक हो गया। आश्रम का मालिक होने से, मठाधीश होने से उसने आसन लगा लिया। आसन लगा के उसको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे वो सब चीज जानता है, सारा ज्ञान उसे प्राप्त है और सब मोक्ष उसे प्राप्त है। धीरे धीरे उम्र कटती गई, बूढ़ा हुआ तो अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो काम वासना में, यानी कि जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनकी वासना में, उनकी पूर्ति में फंस गया। इससे तो साधारण मनुष्य ठीक था, अब उसको चेले चंटारे चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए और सारी चीज चाहिए, मगर उसका अंतर से तो कोई मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं, उसे तो कोई इन चीजों से छूट मिली नहीं, प्रसन्नता तो उसके पास है नहीं। ये उसको समझ आते ही उसे चिंता होने लगी, मगर वो फंसता चुका था कि किसी को इस बात को कह नहीं पा रहा था कि मैं तो झूठ मूठ का ही बाबा हूँ, झूठ मूठ का ही भगत हूँ, झूठ मूठ का ही मैं, ये जो आपने गुरुवर की उपाधि दी है मेरे पास है, क्योंकि कैसे कहे, सारे में प्रसिद्धि फैल गई है, सारे लोग मानते हैं, तो मान्यता टूटेगी तो दुख होगा, प्रसिद्धि जाएगी तो दुख होगा, लोग कहेंगे ये कैसा चोर है, कैसा इंसान है जो ढोंगी है, पाखंडी है, और हमसे ऐसा इसने काम कराया। तो वो अपने ही जाल में, अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया, छटपटाने लगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं, निर्वाण प्राप्त हुआ नहीं, मुक्त हुआ नहीं, अमृत पद चखा नहीं, और पूरे में सब में नाम हो गया, जागरण हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, एक चोगा पहन लेते हैं, बार उड़ा लेते हैं, कोई हाथ में, कोई गले में, कोई पैर में, कोई कुछ ना कुछ चीजें डाउट और डाल लेते हैं। ज्ञान उनको होता नहीं, मोक्ष का उनको पता नहीं,
क्या नॉलेज होती है, क्या जानकारी होती है वो पता नहीं। कोई पूछे तो कह देते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्र पढ़ने उनको आते नहीं, जानकारी एक शब्द की है नहीं, व्याख्या उल्टी सीधी करेंगे और बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बस अपनी बात को ही सच मानेंगे। सामने वाला भी समझ भी जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका उसके साथ है और सामने वाले के साथ है, ऐसा चलता रहता है। आए दिन खबरें आती रहती हैं अखबारों में कि आज फलाना बाबा, फलाना पाखंडी, फलाना पकड़ा गया, फलाना आया, ये चलता रहता है। क्योंकि लोग पूछते नहीं कभी, लोग इस बात को जानते नहीं कि जो सामने वाला है वो कैसा ज्ञान लेकर आया है, क्या ज्ञान है, बस उसका वेशभूषा देखते हैं और ये मान लेते हैं। क्योंकि ये वेशभूषा जो भगवान बुद्ध के भिक्कुओं ने और भगवान बुद्ध ने बनाई थी, वो इतनी ज्यादा फेमस हुई, उसका इतना ज्यादा नाम हुआ चीवर का, कि चीवर को देख के ही राजा लोग नमस्कार करने लगे। राजा लोग भी नहीं पूछते थे कि चीवर में जो भिक्कू है वो कैसा है, इसलिए चीवर को ही नमस्कार होने लगी बाद में और धम्म का पतन होने लगा। बाद में ये प्रक्रिया और आगे बढ़ गई। तो जब ज्यादा उसको बेचैनी हो गई तो एक रात उसने बहुत बेचैनी के बाद में किसी से ये पता किया कि सावित्री के अंदर एक व्यक्ति को बोधि प्राप्त हुई है, बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और वो मोक्ष का रास्ता बताता है, अमृत पद का, अमृत पद का, निर्वाण का रास्ता बताता है, मुक्त होने का रास्ता बताता है और मुक्त हाथों से, खुले हाथों से सबको बांटता है, सबको देता है। बड़ा करुणावान है, बड़ा दयालु है, बड़ा ही अच्छा है। तो वहां जाके उससे मोक्ष का रास्ता सीखेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ऐसा रात को जानकर, और उसने दिन भी सुबह नहीं होने दिया, सुबह अंधेरे ही वो अपना सब कुछ तामझाम झोड़ झाड़ के वहां से जितना भी था छोड़ के और वो चल दिया वहां से। बूढ़े के अंदर शरीर बूढ़ा हो चुका था मगर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ऐसी जागी कि उसमें दम आ गया और वो पैदल ही मुंबई से सावित्री की तरफ चलने लगा। दिनों दिन चलता रहा, खाए पिए बिना जो भी उसकी थकान होती थी चलता रहा। और रास्ते में उसके जो कपड़े थे वो तार तार हो गए तो उसने वो पेड़ की छाल वगैरह सब बांध ली, इसलिए उसका नाम दारू चीरिए बाद में पड़ा। दारू माने लकड़ी और चीरिए माने चीवर यानी छाल। तो वहां जब वो पहुंचा सावित्री में तो किसी ने उससे कहा कि यहाँ जिनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ है बुद्ध है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो किसी ने बताया कि वो अभी इसी रास्ते पे पिंडचारिका के लिए गए हैं। पिंडचारिका मतलब आहार को ग्रहण करने के लिए चल वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं मांगने के लिए। तो पिंडचारिका के रास्ते में पीछे पीछे गया, देखा कि कुछ लोगों की, भिक्खुओं की टोली जा रही है, उसमें एक व्यक्ति बड़े सधे कदमों से बहुत सही तरीके से चल रहे हैं और उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छी आभा और शांति है। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही मोक्ष प्राप्त व्यक्ति हैं, यही निर्वाण प्राप्त व्यक्ति हैं, यही बुद्ध हैं। वो जाके घुटनों के बल बूढ़ा उनके सामने याचना के रूप में बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, आप मुझे धम्म दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी हमारा चारिका का समय है, आप यहाँ इंतजार करो, हम चारिका करके आते हैं, आपको धम्म देंगे। बूढ़े ने कहा कि क्या पता भगवान आप रहें, मैं रहूं ना रहूं, समय का कुछ पता नहीं है, मुझे तो आप धम्म अभी देने की कृपा करें, अभी दे दें। उसने दो बार निवेदन किया, तीन बार निवेदन किया। भगवान ने उसको अवलोकन किया, देखा कि बूढ़े में सीखने की ललक बहुत ज्यादा है और ये अर्हत पद को प्राप्त भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उससे कहा कि सुन और देख ध्यान से, देखने में मात्र देखना हो, यानी देखने में मात्र देखना हो, खाने में मात्र खाना हो, सुनने में मात्र सुनना हो, चखने में मात्र चखना हो और सूंघने में मात्र सूंघना हो और काया का स्पर्श में मात्र काया हो, यानी कि देखने में देखना हो, चखने में चखना हो, सूंघने में सूखना हो, सुनने में सुनना हो और काया के स्पर्श में मात्र स्पर्श हो काया का। इतना कह के, इतनी उसको दिखा दे के, दीक्षित करके चले गए चारिका करते हुए। बूढ़ा बहुत समझदार था क्योंकि बहुत पहले से वो इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसको देर नहीं लगी समझने में और वो देखने में मात्र देखना करता रहा। देखने में मात्र देखते 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 उसने अपने शरीर के सारे हिस्सों को देखा, वहीं बैठे बैठे, वहीं जहां वो छोड़े गए थे वहीं बैठे बैठे। अब देखना मात्र देखना क्या होता है? देखना मात्र देखना ये होता है कि आप देखो उसका अनुभव, देखो दृष्टा भाव से, आपको वो भोगना नहीं है, यानी कि जो आप देख रहे हो अपने शरीर के अंदर, जो अनुभूति आपको आ रही है शरीर के अंदर, वो शरीर में प्रभाव ना डाले, उसके प्रभाव को नहीं देखना है, सिर्फ उसको देखना है। यानी कि जैसे
आपने आंख बंद की, अपने शरीर में देखा कि आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, तो आपने ये जान लिया कि ये दर्द हो रहा है, मगर उस दर्द को आप अपने मन में लेके नहीं आए, तो वो दर्द आपके शरीर में कहीं असर नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं देखने में देखना। जो चखने में चखना है वो क्या होता है, चखने में चखना होता है कि आपने खाना खाया मगर उसका स्वाद आपने समझ लिया, मगर स्वाद आपने मन में नहीं उतारा, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सुनने में सुनना क्या है कि कोई भी आवाज अगर आ रही है तो उसे आपने अंदर ग्रहण नहीं किया, यानी उसका भोग नहीं लगाया, भोगता नहीं किया, सिर्फ आपने देखा समझा और मन पे असर नहीं आने दिया, शरीर पर असर नहीं आने दिया। ऐसा नहीं है कि आवाज सुन के आप नाचना शुरू कर गए, या आपने जीभ पे खाना खाया तो आपने वाह वाह कह के बहुत बढ़िया कहना शुरू कर दिया कि आपने ग्रहण कर लिया। ये बात उसको समझ में आ गई और वो देखते 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 उस क्षण में चला गया जहां सब कुछ ठहर जाता है, यानी कि अर्हत होने की अवस्था में आ गया बहुत जल्दी। और इधर वो अर्हत हुआ उधर वो मर गया, क्योंकि बूढ़ा था, थका था, शरीर खत्म हो गया, फिर वो बहुत ज्यादा चला भी था। उधर से जब भिक्खु संघ से भगवान बुद्ध लौट के आए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा मर गया है, और वहां जो भिक्खु संघ थे उन्होंने उसका नाम दारू चीरिया रखा, वही है दारू चीरिया। वही का मतलब बाहर से आया हुआ, दारू माने लकड़ी और चीरिया माने उसकी छाल या जो उसके कपड़े चीवर था वो। उन्होंने पूछा भगवान से कि इसकी गति क्या हुई, ये धम्म सीखा कहां तक पहुंचा, तो उन्होंने देख के बताया कि ये अर्हत हो गया। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तो इसने धम्म सीखा, अभी तो इसे बात बताया था, ये इतनी जल्दी अर्हत भी हो गया, जबकि यहाँ तो कई जीवन लग जाते हैं कईयों के, अर्हत तब भी नहीं हो पाते, ये अर्हत कैसे हो गया, ये निर्वाण प्राप्त कैसे हो गया, ये मुक्त कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही कि थोड़ा भी अगर कोई समझ लेता है और उसकी प्रैक्टिस करता है तो हजार गाथाएं अगर वो जानता हो या सीखता हो तो हजार गाथाओं से बेहतर है कि एक गाथा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, समझ ले, तो उसमें भी वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। गाथा इस प्रकार है। गाथा नंबर 100 इस प्रकार है। सहस्मपि चे वाचा अनत पद संहिता एकं अत पदं सयो यं सुतवा उपसम्मति। सहस्मपि चे वाचा, सहस्मपि माने क्योंकि ये सहस्र वगैरह, इसलिए सहस्र इसमें शब्द आता है, जो शब्द सहस्र है इसका मतलब हजारों, मपि का मतलब अपि, अपि का मतलब भी, यानी हजारों भी। चे वाचा, चे माने यदि, वाचा माने वचन, यानी हजारों भी जो वचन है यदि। अनर्थ पद संहिता, अनर्थ का मतलब है अनर्थ वाले, निरर्थक, जिनमें कोई अर्थ नहीं है। पदंग संहिता, यानी पद संहिता का मतलब है कि जिसमें हजारों पद हैं निरर्थक, उसकी संहिता मतलब उसका किताब है या उसका ग्रंथ है या उसकी संग्रह है। एकंग अत पदंग से हो, एकंग माने एक, अत पदंग, अत पदंग का मतलब है अर्थ वाला पद, और सेयो माने होता है श्रेष्ठ है। यंग सुतवा उपसम्मति, यंग माने जो, सुतवा माने सुनकर, और उपसम्मति माने शांति हो जाए, यानी कि हजारों वो जो पद हैं निरर्थक हैं, जो बोले गए हैं, जो इकट्ठे किए गए हैं, जिनसे मन शांत नहीं होता, जिनसे राग द्वेष शांत नहीं होते, उनके मुकाबले एक पद वो अच्छा है जो आपके मन को शांत कर दे और जो आपका राग द्वेष का दमन कर दे, आपको निर्वाण पद पे या अर्थ पे ले जाए, ये इसका मतलब है। जैसे वही है दारू चीरिय, जो बुढ़ा था, जो वृद्ध व्यक्ति था, जब वो आया तो उसे सिर्फ एक पद भगवान ने दिया, एक सिंगल सिक्का था कि देखने में मात्र देखना हो, देखने में सिर्फ केवल देखना हो, और वो उसी को देखते देखते अर्थ हो गया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है
या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.